जा रहा हूँ, सूर्या से मिलना है। सूर्या, तुम पैसे लेकर खर्च करते हो मालूम है, इसलिए पैसे लेकर आए हैं। पूरे 15 लाख हैं। इसको मारना है, तुम्हें इसको मारना है। कौन हो तुम लोग? पैसे लेकर तुमने मेरे भाई को मारा है, इसका बदला तुम्हारा खून होगा। सूर्या को मारने के लिए अभी तक धरती पर कोई ताकत पैदा नहीं हुई। भाई, अपने शहर में ये स्कूल बना के बहुत अच्छा काम किया है। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठो बैठो। इंस्पेक्टर, क्या आप बता सकते हैं कि ये सब हुआ कैसे? खबर मिली है किसी आतंकवादी ने स्कूल में बम रख दिया था। नहीं, ये झूठ है। स्कूल में बम नहीं रखा गया था। स्कूल सिर्फ इसलिए गिर गया क्योंकि वहां पर नकली सीमेंट का इस्तेमाल हुआ था और इसका जिम्मेदार है सिर्फ मुनाफाखोर बिल्डर सिंघानिया। नकली सीमेंट के बारे में आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि खुद मैं एक इंजीनियर हूँ और कुछ दिनों पहले मैं सिंघानिया बिल्डर्स में काम कर चुका हूँ। जब आपको पता था कि सिंघानिया बिल्डर ने ये स्कूल बनाया है, फिर भी आपने अपने बच्चे का वहाँ क्यों एडमिशन करवाया? अकल पर पत्थर पड़ गए थे मेरे, क्योंकि भगवान को सजा देनी थी मुझे, क्योंकि मैं चुप क्यों रहा? मैंने लोगों को बता क्यों नहीं दिया कि सिंघानिया घर नहीं बनाता, कब्रिस्तान बनाता है? लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा, उसके खिलाफ सारे सबूत जमा कर नंगा कर दूंगा उसे। सर्वे कर लिया है, आपसे लोग बहुत डरते हैं।
और कमजोर दिल वालों को तो आपका नाम सुनकर दिल के दौरे पड़ने लग जाते हैं। सर, ये प्रकाश नाम के एडिटर ने फिर आपके खिलाफ एक आर्टिकल लिखा है, उसका क्या किया जाए? समझ गया सर, उसकी बत्ती गुल हो जाएगी। और हाँ सर, वो अपना जो लेक के किनारे एग्जीक्यूटिव बंगलोस का प्रोजेक्ट है ना, उसके लिए म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब परमिशन नहीं दे रहे, उसका क्या करें? ये भी समझ गया सर, उसका सर फोड़ दिया जाएगा। अरे सर, आपके लाडले, आपके जाने जिगर, आपके दिल के टुकड़े, आपके छोटे भाई शिशुपाल जी आ गए। आओ शिशुपाल आओ, आज बहुत दिनों बाद इतने खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है, कहीं फिर कुछ तूने? हाँ भाई साहब, आज फिर मैंने एक छोटी सी बात पर एक आदमी का खून कर दिया। अरे रे रे रे, कितनी छोटी सी बात पर? वो हुआ यूं कि मेरी कार रास्ते में खराब हो गई तो, और राह चलते एक आदमी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, और मुझे गुस्सा आ गया कि एक मामूली आदमी मेरी मदद करेगा, सिंघानिया के भाई की, और मैंने उसे गोली मार दी। वाह मेरे भाई वाह, तू तो खून इस तरह करता है जैसे बच्चे खिलौना तोड़ देते हैं, बस फर्क इतना है कि वो खिलौना तोड़ने के बाद रोते हैं और तू खून करने के बाद हंसता है। इसीलिए लाशों की सीढ़ी बनाकर अपने भाई को जुल्म की दुनिया के सबसे ऊंचे सिंहासन पर बिठा दिया है। माय डियर पार्टनर, वो जो डैम के लिए टेंडर भरे थे उसका क्या हुआ? टेंडर तो पास हो गया है, पूरे 5 अरब 30 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है पार्टनर। ये बात हुई ना खुशी की बुझाएं। आई एम सॉरी सिंघाने साहब, इस खुशी के मौके पर मैं आपको एक बुरी खबर देने आई हूँ। पहाड़ को पत्थर मारने से पहाड़ का कुछ नहीं जाता, अरे सर से पैर तक तो हम खुद ही बुरे हैं, हमारे लिए बुरी खबर क्या हो सकती है? कभी कभी पानी की छोटी सी लहर भी बड़े से बड़े जहाज को डुबा देती है। कुछ साल पहले मनोहर नाम का एक इंजीनियर आपकी कंपनी में काम कर रहा था ना? मनोहर? हाँ सर, वही जिसके साथ मिलकर हमने स्कूल की बिल्डिंग बनाई थी और बाद में वो बिल्डिंग गिर गई। अच्छा अच्छा, क्या किया उसने? आपकी मौत का सामान जुटा रहा है वो। मैंने इस फाइल में सिंघानी और भोजन के खिलाफ सारे सबूत जमा कर लिए हैं, कल सुबह होते ही इसे पुलिस का हवाले कर दूंगा। ठीक है। ऐसा नहीं होगा इंजीनियर, देखो बेवकूफी मत करो, वो फाइल हमें दे दो या तुम खुद अपने हाथों से सारा सबूत जला डालो। नहीं, मैं तुम लोगों को कानून से सजा दिलवा कर रहूंगा, तुम लोग खूनी हो, कातिल हो। शांति इंजीनियर शांति, छोटी सी बात को इतना बड़ा मत बनाओ, और तुम्हारी भला इसी में है कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। भूल जाओ? सैकड़ों मासूम बच्चों की आखिरी हिचकियां भूल जाओ, उनके माँ बाप की दर्दनाक चीजें भूल जाओ, अपनी औलाद की बेमौत भूल जाओ। नहीं, मैं ये सब अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूल सकता, मैं तुम लोगों से लड़ता रहूंगा, जंग करता रहूंगा मैं। समझने की कोशिश करो इंजीनियर, कबूतर चाहे लाख फड़फड़ाए बिल्ली के जबड़े को छीन नहीं सकता, तुम जवान हो फिर बाप बन सकते हो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि हमारा बाप बनने की कोशिश मत करो। मैंने ठान ली है, या तो मैं मिट जाऊंगा या तुम लोगों को मिटा कर ही रहूंगा। देखा भुजंग, ये इतना सा कीड़ा दहशत के जहरीले नाक से टकराना चाहता है, छोटी सी चिंगारी हमारी किंगडम को जलाना चाहती है। अरे इसे तो अपनी सांसों और लहू की हर बूंद से नफरत हो गई है, जब ये खुद ही जीना नहीं चाहता तो हम इसे जीने पर मजबूर कैसे कर सकते हैं? रश्मि भागो, ये फाइल किसी भी तरह पुलिस तक पहुंचा दो। जाओ फाइल चेंज कर उसे मार डालो। प्लीज मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे बाहर डालेंगे। अरे मारने का ठेका तो हमने ले रखा है, ये लोग तुम्हें क्या मारेंगे? देख, हम सिंघानिया का आदमी है, वो बहुत खतरनाक है, वो कहां ले जाकर मारेगा तुमको पता नहीं चलेगा, समझे? बड़े बड़े खतरनाकों की नाक काट कर अपनी जेब में रख ली है, चल जा
वरना मार कर लाशें ऐसी गंदी जगह फेंकूंगा जहां जानवर भी मरना पसंद नहीं करते। जा। खबरदार हमसे कोई रिश्ता जोड़ा तो नफरत है हमको रिश्तेदारी से। ये खूबसूरत रिश्तेदारी के पीछे मक्कारी और चालबाजी के सिवा कुछ नहीं होता। चल पैसे निकाल, हमने तेरी जान बचाई है पैसों के लिए। चल देखिए इस वक्त मेरे पास रुपए नहीं है, मुझे पुलिस स्टेशन भी जाना है, ये फाइल भी देनी है और रिपोर्ट भी लिखवानी है कि सिंघानिया ने मेरे पति का खून कर दिया है। पति मर गया फिर भी सुहागन बनी बैठी हो, खूबसूरत मंगलसूत्र है। चल यही निकाल। लगता है रहम नाम की चीज तुम्हारे दिल में है ही नहीं। हमारे सीने में दिल ही है नहीं तो रहम कहां से होगा। हाँ दिल का शोला दहक रहा है, जाने कब बुझेगा। चल निकाल। की रात अच्छी गुजरेगी। क्या वो औरत बचकर निकल गई, फाइल भी लेकर गई और तुम लोग भीगे हुए कारतूसों की तरह अपने मनुष्य चेहरे लेकर यहाँ चले आए। रिलैक्स पार्टनर, रिलैक्स। कामयाबी पर तो सभी इनाम देते हैं, मजा तो तब है जब ना कामयाबी पर इनाम दिया जाए। सर हमें फौरन उस औरत को तलाश करना चाहिए। बहुत परेशान कर डाला है उस औरत ने, वो जहां भी मिलेगी उसे मार डालेंगे। चलो। हाँ। नहीं, हम वो आग है जिसकी चपेट में वो खुद ब खुद चली आएगी। हेलो, सिंघानिया हियर। मैंने उस इंजीनियर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और एक चने बेचने वाले को उस खून के इल्जाम में अरेस्ट भी कर लिया है। इंजीनियर की औरत भी तुम्हारे पास आने वाली है। वो आ गई। वेरी गुड, तुम अच्छी तरह से जानती हो ना तुम्हें क्या करना है। हाँ ठीक है। इंस्पेक्टर, मैं जानती हूँ तुम्हारे पति का खून हो गया है और तुम कानून की मदद के लिए मेरे पास आई हो। आपको कैसे पता चला? कानून के सिर्फ हाथ ही नहीं, कान भी बहुत लंबे होते हैं। अच्छा फाइल दिखाओ। हाँ? आओ मेरे साथ। कहाँ? कमिश्नर साहब के पास, चलो ना। चलिए। सिंघानिया साहब ये लीजिए फाइल। उस लड़की का क्या हुआ? उसे जहाँ भेजना था भेज दिया। गुड, हम तुमसे बहुत खुश हैं। थैंक यू सर। सुनो सुनो सुनो, दुकान वालों अपने अपने कान खोल कर सुन लो। जो लेते हैं वो बैठ जाएं, जो बैठे हैं वो खड़े हो जाएं। और अपने अपनी तिजोरी में अपने अपनी जेब में हाथ डालकर नोट तैयार रखें। तो आ रही है दिखने में जो है होली, लेकिन चलने में है बंदूक की गोली। अबे ओ
आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? खटमल, चल माल निकाल। चल 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 निकाल। लावे सचिंदर तेरी तो। चल ढिला कर माल, ढिला कर जल्दी से। काश मैं 100 का नोट होता, रहने के लिए कितना अच्छा कमरा मिल जाता। अबे ओ खटमल, सूर्या दादा के माल पर नजर डालता है? अब छिपकली की औलाद, तेरे क्या भैंस का अंडा खाओ था नाश्ते में, जो तेरी अकल घास चरने चली गई। रुको रुको, फोटो। ये सूर्या दादा के हाथ से मरेगा। नहीं नहीं, मेरा फोटो मत लेना। अबे ओ, मुझे हाथ हटा सावन की घटा। मैं तेरी फोटो लूंगी और सूर्या दादा को दूंगी, फिर एक दिन तेरी लाश गटर में पड़ी हुई होगी। माफ कर दो माई, ये लो 100 रुपया, सूर्या दादा को मत बोलना। आठ बज गया तो आइंदा अगर चोले के पीछे झांकने की कोशिश है तो तेरा फोटो निकाल कर उस पर हार चढ़ा दूंगी। जय सूर्या दादा की। आज पूरा 2000 मिला है, पूरा 2000। ये ले तेरा हिस्सा 500, तेरा 500 और 500 मेरा, बाकी 500। हाँ, बाकी का 500 सूर्या दादा का कमीशन, ये सूर्या दादा के बैंक में जमा। सच उस्ताद, अगर बुरा न माने तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो पूछो। यार तुमने तो आज तक कभी सूर्या दादा को देखा नहीं, और सबसे कहती फिरती हो मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी करूंगी, ऐसा मत कर यार। अरे बेड़ू, निराकार भगवान को आज तक किसी ने देखा है? फिर लोग उसकी पूजा क्यों करते हैं? और मैं तो सूर्या की पूजा के साथ साथ उसको प्यार भी करती हूँ। उस्ताद, जिस दिन वो मेरे को मिल गया ना, उसका फोटो खींच कर अपने मन मंदिर में सजा लूंगी। सच? तो हो जाए चाय के साथ? हो जाए। ओके छोड़ो। थैंक यू प्रोफेसर, एक्स्ट्रा टाइम देकर आपने मुझे अच्छी तरह लेसन समझाए हैं। अब देखिएगा, इस बार मैं फर्स्ट क्लास में पास होकर दिखाऊंगी। पास तुम होना, मिठाई मैं खिलाऊंगी। अब ज्यादा टाइम हो गया, चलो घर चलते हैं। चलो जुली, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। नो थैंक्स प्रोफेसर, मैं खुद ही घर चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। ये बदतमीजी नहीं है डार्लिंग, कई दिनों से तुम पर दिल आ गया था, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम आज तक मुझसे बचती रही, लेकिन अब नहीं बचोगी। शर्म नहीं आती कॉलेज में तली के साथ ऐसी बातें करते हुए? अरे शर्म वरम किस बात की जाने मन, चलो कहीं चलते हैं और जवानी का जश्न मनाते हैं। अरे हम जिसे एक बार पकड़ लेते हैं उसे छोड़ते नहीं है जाने मन। अरे भाग के कहाँ जाओगी, रुक जाओ। मेरा बैग, ओ ऊपर है। भाग के कहाँ जाओगी जाने मन, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तुझे Thank you.
क्या बोल रही हो? हाँ सर, शिशुपाल को झूली का खून करते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आप तुरंत पुलिस को फोन करके उसे अरेस्ट करवा दीजिए। डोंट वरी, मैं अभी पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। क्या बात है इंस्पेक्टर, शिशुपाल अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सबूत मिलते ही हम उसे अरेस्ट कर लेंगे। सबूत तो मैं हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि शिशुपाल ने जूली का खून किया है। मगर इस लेटर में जूली ने खुद साफ साफ लिखा है कि दूसरी बार एग्जाम में फेल होने के डर से वो सुसाइड कर रही है, तो मैं तुम्हारी बात का कैसे यकीन करूं? ये लेटर तो नकली है, जबकि मर्डर होने से कुछ देर पहले जूली ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा था, प्रोफेसर इस बार मैं फर्स्ट क्लास में पास होकर दिखाऊंगी, और आप कह रही हैं कि? शट अप, इंस्पेक्टर मैं हूँ, तुम नहीं। जब औरत होकर तुम औरत के खून का सौदा करोगी तो फिर हम किस मुंह से मर्दों के जुल्म का रोना रोएंगे? मिसेस काजल, लीडर बनने की कोशिश मत करो। साबित हो चुका है ये सुसाइड केस है, शिशुपाल मासूम और बेगुनाह है। शिशुपाल और मासूम? आज पता चला कि तवायफ सिर्फ औरत ही नहीं मर्द भी होते हैं। तुम जैसे मर्द अपना ईमान बेचकर नई नस्लों को जुर्म करने का सर्टिफिकेट देते हैं, मगर मैं सच्चाई को मरने नहीं दूंगी। इंसाफ नहीं मिलेगा तो कॉलेज के सामने धरना दूंगी। स्टूडेंट्स, हम शिशुपाल जैसे भेड़िए को आजाद नहीं छोड़ सकते। उसने जूली का खून किया है, प्रिंसिपल और पुलिस को खरीद लिया है, इसलिए मैं सरकार से मांग करती हूँ कि जूली मर्डर केस सीबीआई को सौंप दिया जाए। काजल जी, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। हेलो सिंघानिया साहब, मैं प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। हाँ प्रिंसिपल। गजब हो गया साहब, प्रोफेसर काजल शिशुपाल की गिरफ्तारी के लिए कॉलेज के सामने धरना दे रहे हैं। अरे तुम घबराते क्यों प्रिंसिपल? क्या चींटी भी कभी आदमी को मार सकती है? फिर ऐसी चींटियां तुम रोज अपने पैरों तले मसलते रहते हैं। तुम शांत हो जाओ, मैं जाकर उसे मिल लेता हूँ। ओके साहब। शिशुपाल को सजा दो, 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 शिशुपाल को सजा दो। मिसेस काजल। या नमस्कार, मैं आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ कि आप इस मोर्चे को खत्म कर दें, बात आगे मत बढ़ाएं। आप कौन हैं? मैं शिशुपाल का बड़ा भाई हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहता था मगर डॉक्टर नहीं बन सका, इसलिए मैं हर कीमत पर अपने छोटे भाई को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। नहीं चाहता कि उसके कैरियर पर कोई दाग लगे। गवर्नमेंट एक्सीडेंट में मरने वालों को 1-2 लाख रुपए देती है, मैं जूली के घर वालों को पूरे 5 लाख रुपए दूंगा। मेरे भाई के खिलाफ आवाज उठाकर मेरा सपना मत तोड़िए। जो सपना पाप की आंखों से देखा जाए उसका टूटना बहुत जरूरी होता है। देखिए, मैं यहाँ आपको समझाने के लिए आया हूँ, इसे मेरी कमजोरी मत समझिए। समझाना उस जल्लाद को जो तुम्हारे भाई को फांसी पर लटकाएगा। नहीं, हम सारी दुनिया को तबाह होते देख सकते हैं मगर अपने भाई के मुंह से निकली हुई एक आह नहीं सुन सकते। पागलपन की हद तक चाहते हैं उसे हम। अरे अपना खून पिलाकर बड़ा किया अपने भाई को। यही तो गलती की है, अगर गाय का दूध पिलाकर पालते तो ये दिन देखना ना पड़ता, क्योंकि दरिंदों का खून पीकर पलने वाले कितना भी लिख पढ़ ले पागल कुत्ते की तरह काटने से बाज नहीं आते। तुमने जो भी किया अच्छा नहीं किया, हमारी मुलाकात बहुत जल्द होगी। क्या बदतमीजी है? चल हफ्ता निकाल। कैसा हफ्ता? मैंने दूंगा। अबे कैसे नहीं देगा साला, मैं तो इतना हफ्ता लेती हूँ जितना गुड़ की ढेरी से चींटी अपना हिस्सा लेती है। सूर्या दादा आएगा ना तो सारे होटल को उजाड़ देगा। हाँ ए लड़के, होटल वाले का रुपया वापस कर दे। अपनी जवानी पर तरस था और जाकर किसी लड़की से नैन लड़ा, मेरे मुंह लगने चला है। सूर्या दादा को बुलाकर तेरा हाथ तोड़कर तेरे पॉकेट में डाल दूंगी। ये सूर्या दादा को तुम कब से जानती हो? वो तो पैदा होते ही, क्या है कि हॉस्पिटल में हम दोनों के झूले आस पास थे, उसने मुझे देखते ही आई लव यू बोला था और मैं शर्मा कर बोतल से दूध पीने लगी थी। ए, बहुत हो गया तेरा, एक तो मेरा नाम लेकर पैसा वसूल कर रही है और हमारी तारीफ ऐसे कर रही है जैसे मैं कोई आदमी नहीं भूत हूँ। मैं तुम्हारी नहीं सूर्या दादा की तारीफ कर रही हूँ।
यही तो है सूर्या दादा। क्या? यही है सूर्या दादा। मर गया यार। हाय मैं मर जावा। मैं तो समझती थी कि मेरे सूर्या दादा बड़ी बड़ी मूछों वाले खतरनाक गैंडे जैसे होंगे, मगर मेरा सूर्या दादा इतना नमकीन निकलेगा पता नहीं था। मिल गया, मेरे सपनों का राजा मिल गया। कल तक अधूरा था, आज पूरा मिल गया। बस बहुत नौटंकी हो गया। आज के बाद अगर हफ्ता वसूल किया ना तो जान से मार दूंगा। ए सूर्या दादा जरा रुक जा। इसलिए इसलिए सूर्या दादा अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होती तो तेरा फोटो 100 के नोट पर छपवा देती, फिर जहां तुझसे मिलने को जी चाहता तू मिल जाता। सेठ की जेब में हाथ डालती तो तू मिल जाता, किसी से हफ्ता लेती तो तू मिल जाता। और ये सब इसलिए कि तेरी खूबसूरत जवानी की मैं दिलो जान से दीवानी हूं। अरे गुरु मम्मी देखो कितना अच्छा खिलौना है। ओ तो दिल्ली से तुम्हारे डैडी तुम्हारे लिए खिलौना लाए हैं? नहीं डैडी तो अभी दिल्ली से वापस नहीं आए हैं। फिर ये खिलौना तुम्हें किसने दिया? अंकल ने। अंकल? कौन से अंकल? वहाँ बैठे हैं, आज पहली बार आए हैं। पहली बार? धमाका नहीं हुआ ना, मगर अगली बार हो सकता है। नहीं। याद रख अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना तो मैं तेरी बेटी के चिथड़े उड़ा दूंगा। हम कमजोर माँ बेटी पर अपनी धौंस जमाकर मर्द बनने की कोशिश मत कर। अगर तुम्हें मर्दानगी दिखानी है तो आना उस वक्त जब मेरे पति दिल्ली से लौट कर आ जाए, फिर देखूंगी तू कितने पानी में है। चैलेंज मंजूर। अब मैं इस घर में तुम्हारे पति के आने के बाद ही आऊंगा। जिस तरह सबके सामने कॉलेज में तुमने मेरा पानी उतारा था ना, उसी तरह मैं तुम्हारे पति के सामने तुम्हारा पानी इस तरह उतारूंगा कि तुम दोनों चुल्लू भर पानी में डूब मरोगे। अब भी समय है केस वापस लेने के लिए, सोच लो। मॉर्निंग सर। पांडे। यस सर। ये तो वही लड़की है जो कल रात मेरे साथ में थी। सर यही तो हसीदों का खेल है, ये दौलत के लिए नेताओं की तरह कभी भी अपना प्लेटफॉर्म बदल लेती है। नमस्ते भाई साहब। हाँ शिशुपाल कैसे मेरे भाई? आपके छोड़े हुए कदमों के निशानों पर चलकर आप जैसा ही बनने की कोशिश कर रहा हूँ भाई साहब। देखा पांडे, ये एक दिन मुझसे बड़ा आदमी बनेगा। सर आखिर भाई किसके हैं? गुड मॉर्निंग सर। क्या हुआ इंस्पेक्टर, कालूमल कॉलोनी वालों ने कॉलोनी खाली की के नहीं? हमें बहुत जल्दी है वहाँ बियर की फैक्ट्री लगाने की। नो सर, कॉलोनी वालों ने स्टे ऑर्डर ले लिया है। क्या? हाँ पार्टनर, अब बरसों ये केस चलेगी। इस प्रोजेक्ट पे लगाई हुई करोड़ों की रकम अटकी रहेगी। अटकी हुई रकम एक ही झटके में निकलेगी पार्टनर, जरूर निकलेगी। अब तुम देखना मेरा कहर,
जो इन कॉलोनी वालों के साथ साथ उनके घर के बर्तनों को भी चीखने पर मजबूर कर देगा। क्यों बे, हमारी कॉलोनी में आकर हमें खाली कर रहा है? अबे कौन है बे? अरे गुरु, तुम यहाँ? देखो अपनी कॉलोनी वालों को गुंडे मार मार के घरों से निकाल रहे हैं। चलो ना, प्लीज प्लीज उन्हें बचा लो। अरे चलो ना, जिस तरह जूता बनता है पैरों में पहनने के लिए, उसी तरह ये गरीब भी पैदा होता है मार खाने के लिए, जिंदा जलाए जाने के लिए। और उनकी माँ बहने होती हैं सड़कों पर नंगी नचाए जाने के लिए। जा भाग। अरे गुरु प्लीज गुरु। अबे किसका टाइम खराब आ गया बे? याद आ रहा है स्क्रीन पे थ्रेडम है, है? ज्वेल थीफ देवानंद। अभी याद आया, अभी याद आया, अभी याद आया। तुम इतने दिनों से कॉलोनी में रहते हो, मगर पता नहीं था कि तुम इतने बहादुर हो। भगवान आपका भला करे। अरे वो भगवान क्या भला करेगा, जो लोगों को पैदा करके दुख उठाने के लिए छोड़ देता है वो भगवान नहीं, एक पागल बाप है जो अपनी औलाद को दर्द का पत्थर मारता रहता है और ऊपर से कहता है मेरी पूजा करो। समझ में नहीं आता आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। नोट देकर। पार्टनर सुना तुमने, जो गुंडे हमने कालोमल कॉलोनी को खाली करवाने के लिए भेजे थे वो किसी सूर्या नाम के गुंडे से मार खाकर भाग गए। क्या? कौन सूर्य सर? किराए का कातिल, इतना चालाक है कि एक हाथ से खून करता है और दूसरे हाथ से सबूतों को मिटाता जाता है। ओ। पुलिस की नजर में है मगर आज तक पुलिस स्टेशन में कदम नहीं रखा है। आदमी काम का लगता है। पार्टनर क्यों ना हम उसे अपने फौज में भर्ती कर ले? सर मेरे ख्याल में इतने खतरनाक आदमी को अपने साथ रखकर हम अपने लिए खतरा मोल ले रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कल को उलट कर वो हम पर ही हमला कर दे। अरे खतरों से खेलना ही हमारा काम है, उससे आज मिलने का बंदोबस्त करो। इस हरकत का मतलब? ये घटिया शराब पीना छोड़ दो, तुम बहुत बड़े आदमी बनने वाले हो, क्योंकि शहर का सबसे बड़ा आदमी सिंघानिया
तुम्हारे पास आया है। क्लास में शराब डालने वाला बड़ा नहीं होता सिंगानिया, बड़ा तो वो होता है जिसके क्लास में शराब डाली जाती है। मुझसे दोस्ती करने का चांस मत गवाओ सूर्या। जिसका सारा शहर दुश्मन हो उससे दोस्ती करने का हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। आने की वजह नहीं पूछोगे? कसाई की दुकान में कोई बाल कटवाने नहीं आता, वहां सिर्फ गर्दन कटती है। बोलो किसको मानना है? मैं कालूमल कॉलोनी को खाली करवाने आया हूँ। मैं जानता हूँ तुमने कॉलोनी की हिफाजत का ठेका ले रखा है, उस ठेके को कैंसिल करने का मैं तुम्हें पूरे 5 लाख रुपए दूंगा। अरे इतने कम में तो मैं किसी को तमाचा भी नहीं मारता। 10 लाख सोचूंगा। 15 लाख अब आईना ट्रेन प्लेटफॉर्म पर जाओ, 24 घंटे के अंदर कॉलोनी खाली हो जाएगी। ये सब क्या हो रहा है? तुम नहीं जानते। बैठो बैठो बैठो। पंडित जी मुहूर्त निकालिए। ये मुहूर्त किस लिए? ओहो, इन सब बातों के बारे में जानने के लिए अपने पास टाइम नहीं है। आज तेरी मेरी मंगनी है ना? क्या? हाँ पंडित जी, जल्दी शादी का मुहूर्त निकालो। मुहूर्त आज से 3 महीने के बाद है। अरे ओ पंडित के बच्चे, क्या मैं डबल फीस इसलिए दे रही हूँ कि तू मुहूर्त देर से निकाले? जल्दी कर। क्योंकि प्यार का ये बादल ताकत के इस पहाड़ से टकरा कर बरसने को बेचैन है। हट, क्या पागल की तरह भाग रही है? आज से 15 दिन के बाद मुहूर्त निकलेगा, 15 अगस्त को। ये ले। 15 अगस्त को मैं बारात लेकर आऊंगी, तुझे डोली में बिठा कर ले जाऊंगी। वो हलवाई की दुकान से भागी हुई जिलेबी, ज्यादा मीठी मत बन वरना ऐसी मिर्ची खिलाऊंगा कि मुंह से के सिवा कुछ नहीं निकलेगा। कुछ निकले या ना निकले, लेकिन मेरे मुंह से तेरा नाम जरूर निकलेगा, यही मेरे लिए बहुत है। याद रखना 15 अगस्त। ये लड़की तो बहुत हटके है भाई। गर्ल्स, अब एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं। यस मैडम, वी नो। तुम सबने तैयारी तो कर ली होगी, लेकिन अगर मेरी हेल्प चाहिए हो तो बी फ्री टू कम टू। मैंने तुमसे कहा था मेरे भाई का केस वापस ले लो, मगर तुम नहीं मानी। आज तुम्हें उसकी सजा सबके सामने मिलेगी। नकली हाथ की जगह तुम्हारी बेटी का हाथ भी हो सकता है। जिस तरह तुम अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हो, उसी तरह मैं भी अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ। याद रखना, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो सजा तुम्हारी बेटी को भी मिलेगी सिंघानिया।
उस्ताद, आज मैं पहली बार देख रहा हूँ इतनी उदास नजर आ रही हो, बात क्या है, है? मुझे तो नहीं लगता कि वो 15 अगस्त को मुझसे शादी करेगा। अरे तो भूल जाओ उसे, हटाओ, खाओ खुजाओ बत्ती बुझाओ, क्यों छोटू? अबे तुम नहीं जानते क्या, दिल और मंदिर एक जैसे होते हैं, ना मंदिर से कोई मूरत हटाई जा सकती है और ना ही दिल में बसी हुई सूरत भुलाई जा सकती है। ये तो सीरियस हो गए लिए बाप। मिलेगा तुझे तेरा प्यार करने वाला मिलेगा, प्यार का बुझा हुआ दीपक जलाएगा, सिर्फ 50 रुपए में, सिर्फ 50 रुपए, सिर्फ 50 रुपए में, 50। चल बे हट बे, हट जगा ले, चल। ये कैसी दवा है? रूठे हुए प्रेमियों को मनाने के लिए, नफरत करने वालों के दिल में प्यार जगाने के लिए ले जाइए पाउडर, किसी भी चीज में मिलाकर हिलाकर खिलाकर खिला दो, फिर देखो इसका जादू, प्रेमु बेकाबू हो जाएगा, भागता हुआ आएगा। 50 रुपए, 50 रुपए। कितनी पुड़िया है तुम्हारे पास? 50 पुड़िया है मेरे पास, सब बांध कर दे दो। सूर्या अब तो तुझे मेरा होना ही पड़ेगा। अरे तो फिर चली आई? आऊंगी, बार बार आऊंगी, वो ATN चैनल पर दिखाए जाने वाले सुपरहिट सॉन्ग की तरह जो 24 घंटे में 36 बार आता है। अरे ओ मेरे गले पड़ी बिल्ली, गिल्ली की तरह बार बार आके डंडे से मत टकरा, वरना ऐसा शॉट मारूंगा कि तुझे खुद नहीं पता चलेगा कि तू कहाँ गुम हो गई है। गुम कर दे मुझे ऐसी जगह ले जाकर जहाँ सिर्फ हम दोनों एक दूसरे को प्यार की आग में जला रहे हों। ए, अब बहुत हो चुका है, चल टिफिन बंद कर और यहाँ से फुट। टिफिन बंद नहीं होगा, खाना है तो खाओ नहीं तो भाड़ में जाओ। मैं चली। खुशबू तो अच्छी है, चलो चक्कर देखते हैं पकाने वाले की जबानी टेस्टी है या खाना भी। क्यों बच्चू, पकड़ी गई ना चोरी? आहा। चल तू भी मेरे साथ खा ले। मैं खा चुकी हूँ, तू खा। देख अगर तू चाहती है ना कि मैं ये खाना खाऊं तो तुझे भी मेरे साथ खाना होगा। ठीक है, तू इतनी प्यार से बोलता है तो जहर भी खा लूंगी। क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब है मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगी। हाँ। चल। ये लेकिन मैं पूछता हूँ साथ, तुम्हें वहां सूर्या दादा के साथ खाना खाने की जरूरत क्या थी? जाने कब से उसके मीठे बोल सुनने को तरस रही थी। हाँ? जरा उसने प्यार से बोला और इधर मेरा मन डोला। और तुम डोल गई हैं? अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो जानती हो क्या होता? क्या हो जाता? क्या हो जाता? तुम बन जाती माँ और हम दोनों बन जाते मामा। ठीक कहते हो, लेकिन उल्टा सीधा नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब है कि वो दिखने में जरूर जल्लाद है लेकिन उसके अंदर एक शरीफ इंसान छुपा हुआ है। निकालूंगी मैं उस शरीफ इंसान को, बाहर जरूर निकालूंगी। जान आज तो मजे करेंगे। बापू मत जा, बापू हट हट चल। अच्छा बापू, बापू सुन, बापू नहीं नहीं बापू, माँ को छोड़ के मत जा बापू। अरे हट, कल मरती है तो आज मर जाए, मुझे तो दूसरी मिल गई है। रहम करे बापू, रहम करे बापू। पिताजी नहीं, मत जाइए पिताजी, माँ बहुत बीमार है, मुझे छोड़ हराम जाने चल। पिताजी मत जाइए, पिताजी मत जाइए, माँ बहुत बीमार है। हराम सादे, दिन बुलाए पैदा हो जाते हैं और गले पड़ जाते हैं, तू ऐसे नहीं मानेगा। Oh, my God.
मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, मुझे मत मारो, रुक जा सूर्या, रुक जा, छोड़ दे मुझे, मैं ऐसे हर बाप को मार डालूंगा जो औरत को बिस्तर समझता है और औलाद को बिस्तर से निकली मिट्टी समझकर झटक देता है। मैं ऐसे हर बाप को मार डालूंगा, छोड़ दे मुझे। तुम्हारी माँ की कसम, हाँ। सूर्या, छोड़ दो मुझे मेरी हालत पर, जाओ यहां से, मत रुलाओ मुझे। आज मैं तुम्हें मां की याद दिलाकर खूब रुलाऊंगी, ताकि आंसुओं के सैलाब में वो दरिंदा डूबकर मर जाए जिसने तुमसे इंसानियत छीनकर तुम्हें कातिल बना दिया। मां की कसम देने पर तुम्हारे गुस्से का जाना और तुम्हारा रोना, लगता है तुम्हारी मां के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। हाँ, नाइंसाफी हुई है, मेरी मां के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। तब मैं बहुत छोटा था। जय मुरली वाले। भगवान मेरी माँ को अच्छा कर दे, मेरी माँ के सिवाय इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ भगवान, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ भगवान, मेरी माँ को अच्छा कर दे। बेटे, खाली हाथ जोड़ने से भगवान तेरी कभी नहीं सुनेगा। फिर कैसे सुनेगा भगवान? बेटे कुछ चढ़ावा तो चढ़ा, जैसे फूल मेवा वगैरह वगैरह, मगर उसके लिए मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। फिर तो बेटा तेरी पूजा अर्चना व्यर्थ ही जाएगी। ए, किधर जा रहा है? साहब, मेरी माँ बहुत बीमार है, उनका इलाज कराना है। 100 रुपए देता है, अभी डॉक्टर से मिलाता हूँ। मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। पैसे नहीं है, चले कर जाओ अपनी माँ यहाँ से, जाओ। जहाँ जाओ वहाँ पैसा ही पैसा माँ, अब क्या करें, तेरा इलाज कैसे होगा? बेटे, अब मैं बच नहीं सकते बेटे, अब तो मौत ही मेरा इलाज है। तू जल्दी से ठीक हो जा माँ, मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, फिर तेरा इलाज कराऊंगा। नहीं बेटे, अगर दौलत से ही जिंदगी खरीदी जा सकती ना, तो पैसे वाले को कभी मौत आती ही नहीं। ऐसा मत बोल माँ, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा, और तेरे अलावा इस दुनिया में है कौन मेरा जिसके लिए मैं जीऊँ। तुझे अपने पिता के लिए जीना पड़ेगा बेटे। पिताजी, मगर माँ तुमने तो कहा था कि वो मर गए। गुस्से में कह दिया था बेटे। बेटे, तेरे पैदा होने से पहले ही तेरे पिताजी घर छोड़ के चले गए थे। बहुत दिनों के बाद उन्होंने चिट्ठी भेजी बेटे, और फिर कभी पलट के नहीं देखा। इस चिट्ठी में उनका पता लिखा है, तू जा और अपने पिता को लेके आ बेटे। अच्छा माँ। बेटे, तू ये भी लेके जा बेटे, इसमें मेरा और उनका नाम लिखा हुआ है। मुझे यकीन है बेटे, इसे देखते ही वो फौरन चले आएंगे। जा बेटे, जा। ये अनिल साहब का घर है ना? हाँ, उनका ही घर है ये। मुझे उनसे मिलना है। तुम उनसे नहीं मिल सकते। क्यों, क्यों नहीं मिल सकता? मेरी माँ बहुत बीमार है। जा यहाँ से, भिखारी कहीं का। ए, भिखारी मत बोल, मुंह तोड़ दूंगा। जानते नहीं ये मेरे बाप का घर है। ओ चौकीदार, क्यों शोर मचा रहा है? साहब, ये आपसे मिलने के लिए दादागिरी करता है और बोलता है ये मेरे बाप का घर है। नमस्ते पिताजी। तुम्हें किसने कहा? माँ ने कहा, ये देखिए मंगलसूत्र भी दिया उन्होंने। मैं रामपुर से लाया हूँ माँ को, उनकी तबीयत बहुत खराब है, वो सरकारी अस्पताल के दरवाजे पर पड़ी हुई है। जल्दी चलिए ना पिताजी, बिना पैसे के उनका इलाज नहीं हो सकता। तुम्हारी माँ का इलाज कराना तो बहुत जरूरी है, ठीक है, चलो चलो चलो। इंस्पेक्टर साहब, ये छोटा सा बच्चा मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है।
इसका कहना है कि ये मेरा बेटा है और मैं इसका बाप। क्यों बे, इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा झूठ बोलता है? ये झूठ नहीं है साहब, ये सच है। अरे इंस्पेक्टर पांडे, इसकी ऐसी पिटाई करो कि भूल जाए कि इस दुनिया में इसका कोई बाप भी है। साले झूठे ब्लैकमेलर, ब्लैकमेल करता है। बाप बेटे मंगल सूत्र। पिताजी नहीं, मत जाइए पिताजी, माँ बहुत बीमार है, मुझे छोड़ के मत जाइए पिताजी, पिताजी मत जाइए। माँ मैं पूछता हूँ, अगर पैसों से जिंदगी और बिना पैसों से मौत मिलती है तो भगवान क्या करता है? माँ तू पैसों के लिए बेमौत मरी है, कसम है तेरी माँ, मैं पैसे लेकर अब लोगों में मौत बांटूंगा। अब बोलो क्या दिया है दुनिया वालों ने मुझे, क्या मैं जो कुछ भी कर रहा हूं गलत कर रहा हूं? ऐसे कमीने बापों को इस धरती पर मैं कभी जिंदा नहीं रहने दूंगा, कभी नहीं। सब ठीक हो जाएगा सूर्या, धीरज रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं ठीक होगा जब तक नफरत की भट्टी से मुझ जैसे सूरज उगते रहेंगे, कुछ नहीं ठीक होगा, कुछ नहीं। सूर्या, यू आर अंडर अरेस्ट, जिस आदमी को तुमने पीटा था वो मर गया। देखा, कानून आ गया मुझे लेने के लिए, उस वक्त कानून ने कुछ नहीं बोला था जब वो जालिम बाप अपने बेटे और बीमार पत्नी को छोड़कर जा रहा था। कहती है सब ठीक हो जाएगा, अरे ना कुछ ठीक हुआ था ना हो रहा है और अब ना होगा। चलिए थे अंकल। अंकल? हाँ, आप मेरे डैडी के छोटे भाई हैं। मरना था, बोल मेरी माँ के आंसू का कर्ज चुकाए बिना कैसे मर गया तू, कैसे? बाप की करतूतों का कर्ज बेटे से भगवान ने वसूल कर ही लिया है,
100 के नोट का कर्ज 10 रुपए देकर नहीं चुकाया जाता। मैं तुझे चांद से मारूंगा, तब जाकर तेरे बाप के पापों का हिसाब चुकता होगा। मैं भी खुशी खुशी मर जाता अगर मेरे सिवा इस नन्ही सी बच्ची का कोई और सहारा होता। बिन माँ बाप के भी बच्चे पल जाते हैं मेरी तरह। तुमने तो खुद को बेचकर लाशों का बाजार लगाया है, बढ़िया बिकेगी हुस्न के बाजार में। तुम्हारी भतीजी, तुम्हारा खून, तुम मेरा खून तो कर सकते हो मगर खून के इन रिश्तों को तुम कभी नहीं तोड़ सकते। देखो पुलिस तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही है और तुम जख्मी भी हो, कुछ दिन यहां रहकर अपना इलाज करा लो। अंकल, 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 अंकल। एक जरूरी सूचना सुनिए। एक खतरनाक कातिल सूर्या जो कल पुलिस की हिरासत से भाग निकला है, उसे गिरफ्तार करवाने वाले को 1,00,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि आप कृपया पुलिस के कंट्रोल रूम से अंकल, अंकल, आप क्या खाओगे? बटर टोस्ट, चाय या गरम दूध? क्या हुआ बेटी, अंकल क्या कह रहे थे? ये अंकल तो कुछ बोलते ही नहीं। उस्ताद, उस्ताद, चलो खाना खा लो। 3 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया। न जाने सूर्या कहाँ होगा, किस हाल में होगा। वो जहाँ कहीं होगा ठीक ही होगा। लड़की, सूर्या कहाँ है? अगर मैं ये जानती तो इस वक्त यहाँ नहीं, उसके पास होती। हवलदार, घर की तलाशी लो। जी साहब। साहब, सूर्या यहाँ नहीं है। साला बच के कहाँ जाएगा? सुन छोकरी, सूर्या का पता लगते ही हमें खबर कर देना, वरना तुम तीनों को अवलास में सला दूंगा। चलो। टिंग टोंग, टिंग टोंग। सूर्या अंकल, आंखें खोलो नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। ये कमबख्त हाथ धोकर पीछे पड़ गई है, ये खाना मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ। तुम खाना खाओगे तो ही मैं माफ करूंगी। ठीक है, चलो मैं खाना खाऊंगा। नहीं, इसे मत खाओ, मैं दूसरा पीस लाती हूँ। क्यों, इसमें क्या खराबी है? ये गंदा हो गया है। नहीं बेटी, ये गंदा नहीं हुआ, मेरा मन गंदा हो गया था। तू प्यार से खिलाना चाहती थी, मैंने इसे खिला दिया, मैं तो अब यही खाऊंगा। ऊपर देखो, ऊपर देखो। अरे बाप रे, तू तो बड़ी दादी माँ है रे। ये मुझे माँ ने सिखाया है। बड़ी अच्छी है तुम्हारी माँ, कहाँ है? आउट ऑफ स्टेशन है वो, मेरे लिए एक अच्छा सा स्कूल देखने गई है, जहाँ मैं पढ़कर अपने दादी की तरह एक कामयाब वकील बन सकूं। जरूर तुम अपनी माँ के सपने पूरे करो। लो तुम भी खाओ। मुबारक हो सिंघानिया साहब, मुबारक हो। क्यों भाई, क्या हुआ? आपका भाई डॉक्टरी के एग्जाम में पास हो गया।
अरे आज से लोग इन्हें कहेंगे डॉक्टर शिशपाल सिंघानिया MBBS। लेकिन आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि इन्हें पास करवाने के लिए आपको भी तो बंगला मिल गया। कह नहीं जाऊंगा, तुम्हें छोड़कर कह नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। सो जा। हेलो उस्ताद, सूर्या दादा का पता चल गया है। वो अभी सूट बूट पहन के बहुत बड़ा आदमी बन गया है। बाप कहाँ है वो? कौन है भाई, आप कौन है? क्या मुझसे पूछते हो कौन है आप? आपको किससे मिलना है? अंधे दौलत के फंदे में फंसते ही तुम मुझे भूल गए। नहीं नहीं, देखिए आपको कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी को मारो गोली। चश्मा लगा के हेयर स्टाइल चेंज करके तू सारी दुनिया को धोखा दे सकता है, मगर मुझे नहीं। समझ गया, तुम सूर्या को मिलने आई हो। जाओ, वो अंदर है। वो अंदर है तो आप कौन है? उसका बड़ा भाई एडवोकेट महेंद्र हमशक्ल। आई एम सॉरी। सूर्या! अरे छोड़! नहीं छोड़ू। मैं कर रहा हूँ, छोड़। अच्छा पहले ये बताओ, ये तुम्हारे जैसा बाहर बाहर जैसा अंदर, ये कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन है, तुझे क्या लेना देना। पहले ये बता तू यहाँ आई क्यों? मैं तुम्हारे लिए कब से तड़प रही हूँ। अगर तेरा पीछा करते करते पुलिस यहाँ आ जाती और मुझे गोली मार देती तो? ओह नो। तेरे नो कहने से कानून मुझे माफ नहीं कर देगा। मैं कानून का शिकार हूँ। दोबारा यहाँ आएगी तो मेरी लाश गिरते हुए देखेगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारे लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकती हूँ। आप एडवोकेट है ना, मेरे सूर्या को बचा लीजिए। आपको जितनी फीस चाहिए मैं दूंगी। ये मेरा भाई है और भाई को बचाने के लिए मैं तुमसे फीस लूंगा। पग दिखेंगे। मेरी दुआ है तुम दोनों का प्यार सलामत रहे। तुम दोनों पर आने वाली हर मुसीबत मुझ पर आ जाए। भैया बॉबी, क्या बात है बेटी, यहां बैठी हो? डैडी बहुत दिनों से मम्मी ने फोन नहीं किया। मैं मम्मी से मिलना चाहती हूँ डैडी। मुझे मम्मी चाहिए डैडी। ओह गॉड। हाँ मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया था, आज सुबह तुम्हारी मम्मी का फोन आया था। कह रही थी कि शाम को मैं भाभी को जरूर फोन करूंगी। जल्दी से अपने कमरे में जा, जल्दी जा। हेलो 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 बॉबी बेटे, मैं मम्मी बोल रही हूँ। मम्मी? कैसी हो मम्मी?
मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप जल्दी आ जाओ ना मम्मी प्लीज। बेटी क्या है, मुझे यहाँ कुछ दिन और लग जाएंगे, तुम पापा को परेशान मत करना। परेशान करने के लिए मुझे एक दूसरी चीज मिल गई है। कौन? सूर्य अंकल, डैडी के छोटे भाई है, बहुत अच्छे है। ओह, तुम अंकल को मेरी तरफ से नमस्ते कर देना। ओके ओके मम्मी, आप जल्दी आना। तुम वो मासूम बच्ची जिससे शैतान भी झूठ बोलने से पहले 100 बार सोचेगा, उसे तुम झूठ बोल रहे थे, वो भी आवाज बदलकर। क्यों? बस यूं ही उसे हंसता देखने के लिए। किसी को हंसाने के लिए रोने की जरूरत नहीं पड़ती मिस्टर मायंदर, जरूरत पड़ती है। जब किसी की मौत को छुपाना जरूरी होता है तब जरूरत पड़ती है। ये बॉबी की मां है, मर चुकी है। अगर मैं इसकी मौत का वजन उस फूल जैसी बच्ची के दिल पर रख दूं तो बताओ क्या होगा? वो भी मर नहीं जाएगी? ये भी मुझे माफ नहीं करेगी? ये जो मेरा सब कुछ थी, मेरी जिंदगी, मेरा प्यार, मेरे जीने का सहारा। बॉबी किधर है? हा? बॉबी, 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 काजोल, चलो बाहर। थोड़ी देर के लिए मेरी तो जान ही निकल गई थी झूठी कहीं की। चलो टाइम हो गया हॉस्टल जाने का। मैं हॉस्टल नहीं जाऊंगी मम्मी। ऐसा नहीं कहते बेटा, एग्जाम का वक्त हो गया है ना, चलो। देखो बेटी, एग्जाम खत्म होने के बाद हम तुमको घर ले आ जाएंगे। प्रॉमिस? अरे प्रॉमिस। आइए आइए आइए, हैरान होने की जरूरत नहीं। याद है हमने वादा किया था जब तुम्हारे पति देव पधारेंगे तभी हम आएंगे। पार्टनर, इसके पति देव को देखकर हमें बड़ी मायूसी हुई। क्या मतलब? मैं समझता था इसने आपको जिस पति देव की धमकी दी उसे 2 हाथ 2 पैर तो होंगे, मगर जिसका 1 पैर बेकार हो उसके लिए तो 1 हाथ ही काफी है। इनको क्यों मार रहे हो? जरा इसको तेरे पति होने की सजा तो मिलने दे, ताकि वो लड़के कभी उन लड़कियों से शादी ना करें जिनकी जबान उनके कद से भी ज्यादा लंबी हो। क्यों, तुझे सारी बातों का पता तो चल गया होगा, तूने इसे बताया या नहीं? वो जो कुछ भी कर रही है सही कर रही है, और मैं भी इसके साथ हूं। मैं तेरे कातिल भाई को सुप्रीम कोर्ट से सजा दिलवा कर ही रहूंगा। शिशुपाल मेरा भाई है,
इससे पहले के कानून के पंजे उसके बदन पर एक खराश भी डालें, मैं तुम दोनों का ऐसा हशर करूंगा कि पत्थर का कलेजा भी कांप उठेगा। अब देख हम तीनों मिलकर इसके बदन के छिलके कैसे उतार दें। तू इन आंखों से देखेगा मगर कुछ नहीं कर पाएगा। बटनर आप फैसला कीजिए मिलोर्ड, क्या इन तीनों का समाज में रहने का हक है? इस शिशुपाल जैसे भेड़ियों को डॉक्टर बनने का हक है? ये भुजंग जिसका काजल ने कुछ नहीं बिगाड़ा था, इस बेराम को जीने का हक है? आप इंसाफ कीजिए मिलोर्ड, आप इंसाफ कीजिए, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं गवाह हूं इन तीनों के भयानक जुर्म का। That's all, मिलोर्ड। मिलोर्ड, मिसेज काजल और सिंघानिया साहब की ज्यादा दुश्मनी थी, शोहर होने के नाते मिस्टर महेंद्र सिंघानिया के खिलाफ हो गए, इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि इनकी गवाही ना मानी जाए। ऑब्जेक्शन मिलोर्ड। ऑब्जेक्शन ओवरऑल्ड, यू कैन प्रोसीड। अब इस मुकदमे का फैसला करेगी सिर्फ ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, इसमें साफ लिखा है कि मिसेज काजल की मौत बलात्कार करने या उनका गला घोटकर मारने से नहीं हुई, बल्कि उनकी मौत स्पीड का दौरा पड़ने से हुई। ये सब झूठ है मिलोर्ड, ये झूठ है, ये सब झूठ है। मिस्टर महेंद्र, मुजरिमों की तरह अदालत की तौहीन मत करो। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को इस सबूत मानकर मिस्टर सिंघानिया, मिस्टर शिशुपाल और मिस्टर भुजंग को बाइज्जत बरी करती है। क्यों वकील साहब, इतना जलील होने के बाद भी जिंदा रहने का इरादा है क्या? बरी अदालत में पत्नी के कपड़े उतारने के बाद भी हमें कफन नहीं पहना सका। बहुत भरोसा था ना तुझे अपने कानून पर, देखा कानून ने किस बुरी तरह से तुम्हारे भरोसे का खून कर डाला। क्या हुआ, इस अदालत से मुझे इंसाफ नहीं मिला? अब इंसाफ मैं करूंगा, मेरी अदालत में तुम तीनों को सजा मिलेगी। याद रखना, मेरी अदालत में ना तो झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट काम आएगी और ना तुम्हारे कानूनी दोस्त और ना ही तुम्हारी दौलत। तुम तीनों ने अपने हाथों से अपनी चिता सजाई है, अब देखना उसमें मैं कैसे आग लगाता हूं। कानून को धोखा देकर वो तीनों बच गए,
मैंने कसम खाई थी कि उन तीनों से बदला लूंगा, लेकिन अफसोस यह है कि चलने के सिवा मैं कुछ नहीं कर सका, क्योंकि एक अपाहिज जो खुद एक बेजान सहारे का मोहताज है, वो भला किसी से क्या बदला ले सकता है। मगर तुम उन तीनों की जान लेकर मेरे दिल की आग को ठंडा कर सकते हो, तभी तुम्हारी भाभी की आत्मा को शांति मिलेगी। प्लीज, मैं तुमसे वादा करता हूं कि कानून से तुम्हें एक पल की भी सजा होने नहीं दूंगा। बुला लेना, मुझे ऐसे झूठ पापा नहीं चाहिए। माँ, माँ, माँ। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। अंकल, अंकल तुम पैसे लेकर खून करते हो ना? अंकल ये मेरे पैसे लेकर मेरा खून करके मेरी माँ के पास भेज दो। नहीं बेटे, मैं इतना नीच आदमी नहीं हूँ जो प्यार का सौदा पैसों से। ये काम मेरे प्यार की खातिर जरूर करूंगा। जिन लोगों ने तुम लोगों के साथ ये बर्ताव किया है, उन लोगों को अब चैन की नींद सोने नहीं दूंगा, चैन की नींद सोने नहीं दूंगा। महेंद्र नहीं हो सकता, कौन है? बोले तो।
तेरे सवाल का जवाब नरक के उन शोलों से पूछना जो तुझे गुनाहों की सजा देंगे और मेरा नाम भी बता देंगे। ये तो एडवोकेट महेंद्र है, इसने खून कर डाला। हमारी प्लानिंग कामयाब हो गई, सब लोगों ने मुझे एडवोकेट महेंद्र ही समझा। वेरी गुड, भुजंग से तो मैं निपट चुका हूं, अब तुम देखना कानून से मैं कैसे निपटता हूं। सूर्या तुम अंदर जाओ। एडवोकेट महेंद्र, मैं आपको मिस्टर भुजंग के खून के इल्जाम में अरेस्ट करने आई हूं। आपके पास कोई सबूत? सबूतों का ढेर है हमारे पास, अनगिनत गवाह हैं जिन्होंने आपको अपनी आंखों से मिस्टर भुजंग का खून करते हुए देखा है। लगता है पुलिस आजकल आंख वाले अंधों पर आंखें बंद करके भरोसा करने लगी है। चलिए चलो। पूरे 21 आदमी गवाही दे चुके हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से एडवोकेट महेंद्र को मिस्टर भुजंग का खून करते हुए देखा है। इतने गवाहों की गवाही के बाद शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती मिलोर, इसलिए मैं अदालत से अपील करता हूं कि मुलजिम महेंद्र को कम से कम फांसी की सजा दी जाए। दैट्स ऑल मिलोर। मिस्टर महेंद्र, आपके पास आपकी सफाई के लिए कोई गवाह या कोई दलील है? मेरे पहले और आखिरी गवाह आप हैं जज साहब, मेरी सफाई भी आप देंगे और मेरा फैसला करते वक्त दलील भी देंगे कि मैं निर्दोष। जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। मिलोर्ड, मुझ पर इल्जाम है कि कल दोपहर के 3 बजे मैंने भुजंग का खून किया और ये सब 21 लोगों ने देखा है। कल दोपहर के 3 बजे आपने भी देखा कि मैं इसी अदालत में आपके सामने केस लड़ रहा था और गुस्से में आकर मैंने अपने ही क्लाइंट के मुंह पर तमाचा मारा, जिसके लिए मुझे इस अदालत से माफी मांगनी पड़ी और इस अदालत में उसका रिकॉर्ड भी मौजूद है। फैसला कीजिए मिलोर्ड, जिन लोगों ने मेरे खिलाफ गवाही दी है क्या वो सच बोल रहे हैं, और अगर वो लोग सच बोल रहे हैं तो क्या अदालत का कल का रिकॉर्ड झूठ बोल रहा है, जिस पर किसी और के नहीं खुद आपके साइन मौजूद है? यह सच है कि कल मिस्टर महेंद्र अदालत में मौजूद थे, इसीलिए अदालत मिस्टर महेंद्र को भुजंग मर्डर केस से बाइज्जत बरी करती है और पुलिस को सख्त हिदायत करती है कि जल्द से जल्द मुजरिम को पकड़कर अदालत के सामने पेश करें। मिस्टर सिंघानिया, देख रहा है वही तुम हो, वही मैं हूं, अदालत भी वही है जहां से मेरी पत्नी का खून करके तुम लोग छूट गए थे, और आज भुजंग का खून करके मैं बाइज्जत बरी हो गया हूं। आने वाला हर दिन तुम पर बहुत भयानक गुजरेगा महेंद्र। नहीं सिंघानिया, आज के बाद आने वाला हर पल तुम दोनों के दिल की धड़कन पर हथौड़ा बनकर बरसेगा। पहले तेरे इस कमीने कुत्ते भाई को मारूंगा, उसके बाद तेरा कफन तैयार करूंगा। ये खाना किसने बनाया है? Myself, sir. Any problem? पर्दे के अंदर इंग्लिश क्या ठोक रही है? मुंह से पर्दा तो हटा। पर्दा जो हट गया तो लफड़ा हो जाएगा। लफड़ा तो होकर ही रहेगा। तारे खोल। तुम? मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ मत आना। तुम्हारा कहा मानू या तुम्हारे दिल का जो हमेशा मुझे याद करता है? ए, मैं तुम्हें कोई याद बात नहीं करता। याद नहीं करता तो मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाकर
तुम्हारे दिल की घंटी कभी नहीं बजती। ए, बकवास मत कर। यहाँ से सुनिया, सुमन को मैंने बुलाया है। क्यों? कल शिशुपाल का जन्मदिन है और सिंघानिया ने उसके इर्द गिर्द बहुत मजबूत सिक्योरिटी फैलाई है जिसे सिर्फ सुमन ही तोड़ सकती है। यह लड़की किसी काम की नहीं है। जहाँ फौलाद भी काम नहीं आता वहाँ कली काम आती है। अपने हुस्न की चमक से दुश्मन को अंधा बनाती है। आओ जनमन। ये दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो डार्लिंग? जानेमन, तुम पे दिल का दरवाजा खोलने के लिए। ओह नो डार्लिंग, बाहर तुम्हारे भैया बॉडीगार्ड्स और मेहमान भरे पड़े हैं और मुझे भीड़ भाड़ में इस तरह से मिलना अच्छा नहीं लगता। तो क्या करे डार्लिंग? आओ चलो तुम्हारे फार्म हाउस पे चलते हैं, उधर तन्हाइयां ही तन्हाइयां हैं और जब तक जी चाहेगा प्यार की शहनाई बजाते रहेंगे। हाँ चलो। उधर से नहीं जाने मन, पिछले दरवाजे से। ओके हाँ? चलो। आओ जाने मन। मैं शावर लेके आती हूँ। वेट फॉर मी डार्लिंग। ओके डार्लिंग। जल्दी आना डार्लिंग, अब दिल की धड़कनों पर काबू पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। धड़कनें बंद होने का वक्त आ गया है शिशुपाल। महेंद्र, तू यहाँ कैसे आ गया? मौत को आने के लिए पता नहीं पूछना पड़ता। याद आए, अदालत के बाहर मैंने तेरे भाई से कहा था कि अब शिशुपाल का नंबर है। अंधे का तीर निशाने पर लग जाए तो उसे शिकारी नहीं कहते लंगड़े। तूने भुजंग को धोखे से मारा होगा लेकिन मुझसे जंग करके तू बच नहीं पाएगा, समझे? नहीं, तू महेंद्र नहीं हो सकता। हाँ मैं महेंद्र नहीं, सूर्या। तेरी मौत बन कर आया हूँ, तेरी लाश गिरा कर जाऊंगा। Thank you.
हेलो हेलो सिंगानिया, मैं महेंद्र बोल रहा हूँ। बोलो। तेरे भाई का एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसे मैंने मारा है। क्या? हाँ, और अब तेरी बारी है महेंद्र। मैं तुझे जिंदगी की जमीन से उखाड़ कर फेंक दूंगा। ये जो करना वो तो तूने कर ही लिया, अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है सिंघानिया। मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे, मैं आ रहा हूं महेंद्र। मेरी बात सुनिए सर। अब क्या सुनना है? अब सुनने के लिए क्या बचा है? जिस भाई के लिए मैं लोगों के साथ लड़ता रहा, जिसके लिए लोगों के खून भरे कफन निचोड़ कर मैंने दौलत इकट्ठा की, उसी भाई को महेंद्र ने मार डाला। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा महेंद्र, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आपको अपने हाथों को उसके खून से गंदा करने की कोई जरूरत नहीं, मैं उसका बंदोबस्त करूंगी। क्या कर सकती हो तुम है? क्या कर सकती हो तुम? मेरे पास कुछ ऐसे कातिल हैं जो इतने खामोशी से गर्दन काटते हैं कि मरने वाले को भी खबर नहीं होती। तुम लोग सब औरत हो और मैं औरत जात की बहुत इज्जत करता हूं, मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता। अगर तुम लोगों की जगह मर्द होते तो सभी के सभी अभी मर चुके होते। जब भी मेरा खून बहता है तो मुझे मेरी मां के रोने की आवाज सुनाई देती है, और जो मां को रुलाता है मैं उसे नहीं छोड़ता, चाहे वो मर्द हो या औरत। Thank you.
समझ में नहीं आता इन लोगों को किसने भेजा है। सिंघानिया के सिवा और कौन हो सकता है। फिर तो गेम का आखिरी शॉट लगा ही देते हैं। सिंघानिया हियर। क्यों रे हिजड़े, तूने अपनी जगह औरतों को भेज दिया, मैंने तो उन्हें ठिकाने पर लगा दिया है। बस अब तेरा इंतजार है, तू यहां आए और मैं तुझे शमशान का रास्ता दिखाऊं। अब मैं नहीं, तू मेरे पास आएगा, गिड़गिड़ाकर मेरे पैर पकड़ेगा, रहम की भीख मांगेगा तू महेंद्र, मेरे तलवे चाटेगा। अरे तू तो उस पागल कुत्ते की तरह भौंकने लगा है जिसे पागल होने के बाद चारों तरफ से मौत नजर आती है। मौत मुझे नहीं, तुझे नजर आएगी, क्योंकि तेरी बेटी मेरे कब्जे में है। क्या मेरी बेटी? फोन पर कुछ मजा नहीं आ रहा दोस्त, मेरे सामने आकर अपने आंसुओं से मेरे दिल की जलन को ठंडा कर, शायद सिंघानिया का मूड बदल जाए। मैं आ रहा हूं सिंघानिया, मैं आ रहा हूं। आओ एडवोकेट महेंद्र, आओ। मेरी बेटी कहां है? मौत की सीटी सुनते ही तू अपनी बेटी के पास दौड़ा चला आया और ये नहीं सोचा कि तू जिसके पास जा रहा है उसकी दुनिया तूने उजाड़ कर रख दी है। तूने मेरी पत्नी की इज्जत लूट कर से मार डाला, कानून की हिफाजत करने वाले को आज तूने कातिल बना दिया, अब क्या रह गया है? मार डाल, मुझे मार डाल, लेकिन मेरी बेटी को कुछ मत करना। कुछ नहीं करेंगे तेरी बेटी को, लेकिन एडवोकेट हिसाब किताब तो क्लियर करना पड़ेगा ना। कैसा हिसाब किताब? याद है तूने मुझे फोन पर क्या कहा था? हिजड़ा, पागल कुत्ता कहा था, याद है? मेरे भाई को मौत की भट्टी में झोंकने वाले, अब तू कुत्ते की तरह भौंकेगा, वो भी पागल कुत्ते की तरह। तू जो कहेगा मैं करूंगा, मगर पहले मेरी बेटी को। पहले मैंने जो कहा है वो कर। भोग नहीं आता, मैं बताता हूं। बहू बहू, हाँ हाँ, भौंक भौंक बहू। अब तो बता दे मेरी बेटी कहाँ है। अभी नहीं, अभी तो तू नाचेगा, तू लंगड़ा है ना, चल छड़ी के बगैर एक टांग पर नाच के दिखा। हाँ, चल 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 नाच। सिंघानिया, मैं इसके बगैर तो एक कदम भी चल नहीं सकता, फिर नाचूंगा कैसे? नाचेगा तू, बेटी की मोहब्बत का ज्वालामुखी तुझे एक टांग पर भी नचाएगा। चल छोड़ ले छड़ी। अरे अरे अरे, कम ऑन, डांस। अब तो बता दे सिंघानिया। मजा आ गया भाई। एडवोकेट, अब तू अपनी जिंदगी की आखिरी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। वो देख, अंकल बचाओ प्लीज प्लीज, अंकल बचाओ प्लीज प्लीज, अंकल बचाओ, अंकल बचाओ। नहीं है दुश्मनों की लाशों पर भंगड़ा करने वाला
कभी लंगड़ा नहीं हो सकता सिंघानिया। सूर्या तुम? हाँ मैं। तूने मुझे तमाशा बनाया, मैं इस बच्ची के लिए तमाशा बना, लेकिन आज मैं तुझे ऐसा तमाशा दिखाऊंगा कि दुनिया के सारे विलेन जुल्म करना भूल जाएंगे। सूर्या, मैं कोई अनाड़ी विलन नहीं हूं जो हीरो के आते हीरो हो जाता है। वो देख अंकल, बचाओ प्लीज प्लीज, अंकल बचाओ प्लीज प्लीज, अंकल बचाओ, अंकल बचाओ, अंकल प्लीज बचाओ, बचाओ। ये लेजर बीम इतनी खतरनाक चीज है के फौलाद को भी राख कर डालती है। देखना चाहते हो? बचाओ अंकल प्लीज, बचाओ प्लीज। Yeah!
मेरी बेटी। माफ कर दो, तूने मुझे कुत्ता बनाया, हिजड़ा बनाया। अब अगर जिंदगी चाहता है तो जरा कुत्ता बन के दिखा। कभी रास्ते के कुत्ते को गलत जगह पर सही लात पड़ने पर चिल्लाते हुए दिखा है? चलो उठ, चल। तूने कभी एक टांग पर जानवर को नाचते हुए देखा है? अभी देखेगा। सूर्य, सूर्य, मैं जिंदगी की भीख मांगता हूं। मैं इतना रहम दिल नहीं हूं कि तुझे जिंदगी भीख में दे दूं। रुक जा सूर्या। ये मेरा मुजरिम है, इसको सजा मैं दूंगा। मेरी पत्नी की आत्मा को शांति मिल गई। सुमन, आज से बॉबी की जिम्मेदारी तुम पर है। और आप लोग? हत्यारा मैं भी हूं, हत्यारा ये भी है। अपने किए की सजा भुगतने के लिए हम अपने आप को कानून के हवाले कर देंगे।